Hello students, myself Poonam Sharma, I am your math teacher. Today we are going to learn chapter seconds. Chapter name है numbers name. Yes बच्चों, जो आज का हमारा जो topic है वह है numbers name 1 to 10. देखो बच्चों, हम लोगों ने काफी जगह सुना होगा ना numbers name. जैसे बच्चे बोलते हैं O N E 1, T W 2, T H R 3. तो बच्चों हम भी आज स्टार्ट करेंगे numbers name 1 to 10. तो देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं 1 से लगाकर 10 तक numbers name. तो देखो बच्चों, सबसे पहले होता है हमारा 1. तो 1 का जो नंबर इन वर्ड होगा, मीन्स जो numbers name होगा 1 का, वो है O N E. O N E. 1 means 1. Next number है, what is the after 1? Number 2. तो हमारा 2 का जो numbers name होगा वो होगा T W O. क्या होगा बच्चों 2 का नंबर्स नेम? टी डब्ल्यू ओ मींस 2. टी डब्ल्यू ओ मींस 2. नेक्स्ट नंबर है 3. तो नंबर इन वर्ड होगा हमारा 3. टी एच आर डबल ई. टी एच आर डबल ई मींस 3. T H R double E means 3. Next numbers name है 4. तो 4 का जो numbers name होगा F O U R. क्या होगा बच्चों? F O U R means 4. F O U R means 4. Next number है number 5. Numbers name होगा हमारा 5 का F I V E. क्या होगा बच्चों? F I V E. 5 means 5. F I V E. 5 means 5. 1 2 3 4 5. नेक्स्ट नंबर है अब हमारा नंबर 6. 1 5 and 1 6. तो हमारा 6 का नंबर नेम होगा S I X. क्या होगा बच्चों? S I X means 6. S I X means 6. नेक्स्ट नंबर है 7. S E V E N. S E V E N means 7. S E V E N means 7. Next number है 8. क्या है बच्चों? 8. 8 का numbers name होगा E I G H T. E I G H T means 8. E I G H T means 8. क्या होगा बच्चों? E I G H T means 8. Next number है N I N E. N I N E. 9 means 9. N I N E means 9. Next new number है 1 0 10 means 10. तो 10 का जो numbers name होगा T E N. T E N means 10. 1 0 10. T E N means 10. तो
बच्चों ये था हमारा 1 से लगाकर 10 तक नंबर्स नेम। एक बार हम इसको वापस रिवाइज करते हैं। देखो O N E 1 means 1, T W O 2 means 2, T H R double E means 3, F O U R means 4. Next है F I V E means 5. Next number है S I X 6 means 6. Next है S E V E N means 7. Next number's name है E I G H T means 8. N I N E means 9. T E N means 10. Yes बच्चों, तो हमें है ना जो इधर के साइड दे रखे हैं ना बच्चों, जो इन वर्ड में ना, ये तो है हमारे नंबर्स नेम, और ये जो है एरो के सामने वो है नंबर्स। जैसे 1 का नंबर्स नेम क्या था, 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. तो बच्चों ये तो है हमारे नंबर्स नेम और ये है नंबर्स। तो देखो बच्चों ये था हमारा टॉपिक 1 से लगाकर 10 तक नंबर्स नेम। अब हम लेंगे एक्टिविटी टाइम। यस बच्चों, अब है हमारा एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम के अंदर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द मिसिंग लेटर्स फॉर ईच गिवन नंबर्स। देखो बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमें जो ब्लैंक्स दे रखे हैं ना, उनको हमें फिल करना है। क्या करना है बच्चों, फिल करना है। जैसे हमें नंबर्स दे रखे हैं, जैसे जो नंबर्स दे रखे हैं ना, उनके नंबर्स नेम दे रखे हैं, बट कुछ ब्लैंक्स हैं, तो उनको हमें फिल करना है। तो लेट स्टार्ट नाउ, हम अभी शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर्स दे रखा है 1, 0, 10। क्या दे रखा है बच्चों, 1, 0, 10। तो अब 10 का नंबर्स नेम अगर हमें लर्न है तो हम कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो 10 का नंबर्स नेम होगा वह होता है टी ई एन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें टी ऑलरेडी दे रखा है लेटर्स, एन ऑलरेडी दे रखा है। अब जो 10 का नंबर्स नेम होता है वो होता है टी ई एन मीन्स 10। तो हम यहाँ ब्लैंक्स के अंदर क्या फिल करेंगे बच्चों, टी ई, क्या फिल करेंगे बच्चों, टी ई एन। तो देखो बच्चों, हमारा क्या टी ई एन मीन्स 10। नेक्स्ट नंबर्स दे रखा है 8। क्या दे रखा है बच्चों, 8। अब 8 का जो नंबर्स नेम होता है वो है ई आई जी एच टी। तो देखो बच्चों, हम फील करेंगे 8 का जो नंबर्स नेम है, ई ऑलरेडी दे रखा है, जी दे रखा है और टी दे रखा है, ई के बाद ब्लैंक्स है और जी के बाद ब्लैंक्स है, तो हम इसको फिल करेंगे। देखो ई, ई के बाद आई फिल करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, आई, ई आई जी एच टी। हमारा जो 8 का नंबर्स नेम होता है वो है ई आई जी एच टी मीन्स 8। क्या होगा बच्चों, 8। नेक्स्ट नंबर्स नेम दे रखा है, सॉरी नंबर्स दे रखा है 6। क्या दे रखा है बच्चों, नेक्स्ट नंबर्स 6 दे रखा है। अब 6 का जो नंबर्स नेम है वो होता है एस आई एक्स। क्या होता है बच्चों, एस आई एक्स। अब हमें एस दे रखा है, आई दे रखा है और बीच में ब्लैंक्स है, तो हमारा 6 का नंबर्स नेम होता है एस आई एक्स। तो एस आई फिल करेंगे, हम क्या करेंगे फिर, आई एस आई एक्स 6 मीन्स 6। नेक्स्ट नंबर दे रखा है 4। क्या दे रखा है बच्चों, नंबर 4, एफ ओ यू आर मीन्स 4। तो देखो बच्चों, एफ ऑलरेडी दे रखा है, एफ
फील करेंगे ओ, फील यू और फील करेंगे आर। क्या फील करेंगे बच्चों? आर। एफ ओ यू आर मीन्स फोर। नेक्स्ट नंबर दे रखा है टू। टू का जो नंबर नेम होता है वो है टी डब्ल्यू ओ। तो हम फील करेंगे, देखो टी ऑलरेडी दे रखा है और हम फील करेंगे डब्ल्यू, टी डब्ल्यू ओ मीन्स टू, है ना बच्चों? टी डब्ल्यू ओ मीन्स टू। नेक्स्ट नंबर दे रखा है वन। क्या दे रखा है बच्चों? वन। और वन का जो नंबर नेम होता है वो होता है ओ एन ई मीन्स वन। तो हमें यहाँ पे ओ ऑलरेडी दे रखा है, हमें फील करना है एन। ओ एन ई मीन्स वन। क्या होगा बच्चों? ओ एन ई मीन्स वन। नेक्स्ट नंबर दे रखा है सेवन। क्या दे रखा है बच्चों? सेवन। और जो हमारा सेवन का जो नंबर नेम होता है वो होता है एस ई वी ई एम मीन्स सेवन। तो हम यहाँ पे फील करेंगे ब्लैंक्स को, देखो बच्चों एस ऑलरेडी दे रखा है, एस ई वी ई एम, एस ई वी ई एम मीन्स सेवन। नेक्स्ट नंबर दे रखा है थ्री। क्या दे रखा है बच्चों? थ्री। थ्री का जो नंबर नेम होता है वो होता है टी एच आर डबल ई मीन्स थ्री। अब हमें और टी ऑलरेडी दे रखा है, टी एच आर ई ई, टी एच आर डबल ई मीन्स थ्री। नेक्स्ट नंबर दे रखा है फाइव। क्या दे रखा है बच्चों? फाइव। फाइव को हम फील करेंगे, देखो फाइव का जो नंबर नेम होता है एफ आई वी फाइव। तो फाइव एफ ऑलरेडी दे रखा है, आई वी करेंगे एफ आई वी ई, एफ आई वी ई मीन्स फाइव। नेक्स्ट नंबर दे रखा है नाइन। कौन सा दे रखा है बच्चों? नाइन। और नाइन का जो नंबर नेम होता है वह होता है एन आई एन ई मीन्स नाइन। तो देखो बच्चों हमें एन ऑलरेडी दे रखा है, आई फील करेंगे एन आई एन ई मीन्स नाइन नाइन। यस बच्चों ये था हमारा फिलिंग ब्लैंक्स। देखो इसके अंदर हमें नंबर्स दे रखे थे और नंबर्स नेम भी दे रखे थे, बट कुछ लेटर्स मिसिंग थे तो उसको हमने फिल किया। तो अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो बच्चों हमारा क्वेश्चन है सर्किल द करेक्ट नंबर फॉर ईच वर्ड। देखो बच्चों हमें जो वर्ड्स मीन्स जो नंबर्स दे नेम दे रखे हैं ना उनको हमें पहचानना है और जो हमारा इसका जो करेक्ट नंबर्स होगा उसके ऊपर हमें राउंड करना है मीन्स सर्किल करना है। तो देखो बच्चों हमारा फर्स्ट नंबर्स इन वर्ड दे रखा है ई आई जी एच टी। क्या दे रखा है बच्चों? ई आई जी एच टी। और इधर हमें नंबर्स दे रखे हैं जीरो टू सिक्स एंड एट। इधर हमें जीरो टू सिक्स एट नंबर्स दे रखे हैं और इधर जो हमारा नंबर्स नेम दे रखा है वो है ई आई जी एच टी मीन्स एट। इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? एट। अगर बच्चों हमें नंबर्स नेम वन टू टेन तक लर्न हो गए तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों इसका मीन्स होता है एट। अब इस साइड में हमारा जो इसका नंबर्स नेम है ना इसका जो नंबर होगा उसके ऊपर हम राउंड करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर पे है जीरो, सेकंड नंबर पे टू सिक्स, थर्ड नंबर पे है सिक्स और फोर्थ नंबर पे है एट। और हमें ये जो नंबर्स नेम दे रखा है वह है एट का, क्योंकि और हम अब सर्कल करेंगे इसके ऊपर फोर्थ नंबर पर एट, जो फोर्थ नंबर पर दे रखा है
8 पर सर्किल करेंगे, क्योंकि जो हमें नंबर्स नेम दे रखा है वो किसका है, 8 का है, तो इसलिए हमने किसके ऊपर राउंड किया, 8 के ऊपर किया ना। तो हमारा नेक्स्ट नंबर इन वर्ड दे रखा है, जो वर्ड दे रखा है वह है एस ई वी ई एम, क्या है बच्चों, 7, और जो नंबर्स दे रखे हैं 3, 5, 7 and 9। तो देखो बच्चों, हमें जो नंबर नेम्स दे रखा है वो किसका, देखो एस ई वी ई एम मीन्स 7, किसका है बच्चों, 7 का, तो हमें यहाँ पे नंबर ढूंढना है 7। तो देखो बच्चों, यह है 3 रॉन्ग, 5 रॉन्ग, 7 और 9। अब हम किसके ऊपर सर्किल करेंगे, 7, किसके ऊपर सर्किल किया हमने, 7 पर, क्योंकि जो हमें नंबर्स दे रखा है वो किसका है, 7 का है, इसलिए हमने किसके ऊपर राउंड किया, 7 के ऊपर राउंड किया। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट नंबर इन वर्ड दे रखा है, मीन्स नंबर्स नेम दे रखा है, वह है टी एच आर डबल ई मीन्स 3, और जो नंबर्स दे रखे हैं वह है 2, 3, 8 and 0। तो बच्चों, हम किसके ऊपर करेंगे राउंड, यस करेक्ट, किसके ऊपर करेंगे, 3 के ऊपर, किसके ऊपर करेंगे बच्चों, 3 के ऊपर, क्योंकि जो नंबर्स नेम दे रखा वो किसका है, 3 का है, तो हम किसके ऊपर करेंगे, सर्किल करेंगे 3 के ऊपर करेंगे ना, यस बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट नंबर्स नेम, एफ ओ यू आर मीन्स 4, क्या होता बच्चों, एफ ओ यू आर मीन्स 4, और जो हमें नंबर्स दे रखे हैं 8, 6, 4 and 2, और जो नंबर्स नेम दे रखा है वो है 4 का, तो हम कौन से नंबर्स पे करेंगे सर्किल, यस वेरी गुड, किस कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, किसके करेंगे बच्चों, 4 पर, नंबर कौन से नंबर पर करेंगे, 4 नंबर पर सर्किल करेंगे, बिकॉज जो नंबर नेम दे रखा है वो किसका है, 4 का है, इसलिए हमने किसके ऊपर राउंड किया, 4 के ऊपर किया, है ना बच्चों। नेक्स्ट है एन आई एन ई मीन्स 9, एन आई एन ई मीन्स 9, और जो नंबर दे रखे हैं 1, 0, 10, 0, 8 and 9, और हमें जो नंबर नेम दे रखा वो किसका है, 9 का है, तो बच्चों हम किसके ऊपर राउंड करेंगे, नंबर 9, कौन से नंबर पे, 9 नंबर पर हम सर्किल करेंगे, क्योंकि जो नंबर नेम दे रखा है वो किसका था, 9 का था, इसलिए हमने 9 नंबर पर राउंड किया। यस बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आया ना बच्चों आपको समझ में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मैच द नंबर्स विद देयर नंबर्स नेम। देखो बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वह है मैच द नंबर्स, जो नंबर्स दे रखे हैं ना उनको हमें मैच करना है विद देयर नंबर्स नेम, जो नंबर्स नेम दे रखे ना बच्चों उनको हमें मैच करना है विद नंबर्स के, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नंबर्स नेम मैच। देखो बच्चों, हमें फर्स्ट नंबर कौन सा दे रखा है, नंबर 7, अब जो 7 का नंबर्स नेम होता है वो होता है एस ई वी ई एन मीन्स 7, तो बच्चों हम करेक्ट मैच करेंगे विद 7। तो देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर पे एफ ओ यू आर 4, एस ई डी है 7, और हमारा जो फर्स्ट नंबर दे रखा है वो क्या है, 7, तो हम करेक्ट मैच करेंगे विद 7। अब देखो बच्चों, हमने मैच किया था 7 नंबर्स नेम से, और यहाँ पे क्योंकि हमारा जो नंबर दे रखा था वो था 7, तो हमारा जो नंबर्स नेम होगा वो क्या होगा, एस ई डी ई एन 7 मीन्स 7। नेक्स्ट नंबर दे रखा है 6, क्या दे रखा है बच्चों, 6, और हमारे जो 6 नंबर्स नेम होता है एस आई एक्स मीन्स 6, तो देखो बच्चों हम मैच करते हैं विद करेक्ट मैच 4, 7, 6, 8, 5, 9, तो हमारा करेक्ट मैच क्या होगा बच्चों,
S I X means six. और जो नंबर्स दे रखा हुआ है सिक्स का हम करेक्ट मैच करेंगे विद सिक्स. किसके साथ? सिक्स के साथ. ये नेक्स्ट बच्चों हमें नंबर्स दे रखा हुआ है फोर. क्या करेगा बच्चों? फोर. और जो हमारा नंबर्स नेम होगा वो होगा F O U R means फोर. तो हम करेक्ट मैच करेंगे विद फोर. तो देखो बच्चों ये दे रखा है N I N E नाइन लॉन्ग, F I V E फाइव लॉन्ग, E I G S T लॉन्ग, S I X six wrong, S T V N wrong, F O U R means four. तो हम correct match करेंगे with four. किसके साथ बच्चों? Four के साथ. Next number दे रखा हमें nine. क्या दे रखा बच्चों? Nine. और हम match करेंगे with numbers name nine. तो देखो बच्चों E I G S T eight, F I V E five, N I N E nine. और जो नंबर दे रखा हुआ है नाइन. तो हम करेक्ट मैच करेंगे विद नाइन. नेक्स्ट नंबर दे रखा है बच्चों हमें एट. क्या दे रखा है बच्चों? एट. तो हम करेक्ट मैच करेंगे विद एट. तो देखो बच्चों हमारे जो नंबर्स नेम दे रखा हुआ है एफ आई डी फाइव ई आई जी एस टी एट. तो हमारा करेक्ट मैच क्या होगा? एट. तो हम करेक्ट मैच करेंगे विद एट. और ये जो नंबर दे रखा है वह है फाइव. कौन सा नंबर दे रखा है बच्चों? फाइव. तो हम किससे मैच करेंगे? हमारा जो नंबर नेम होगा फाइव का F I V E फाइव. हम करेक्ट मैच करते हैं विद फाइव. देखो बच्चों एक साइड हमने नंबर्स नेम लिए और एक साइड हमने नंबर्स लिए. और हमारा जो क्वेश्चन था मैच द नंबर्स विद द विथ देयर नंबर्स नेम. हमने जो नंबर्स दे रखे हमको करेक्ट नंबर्स नेम के साथ मैच करना है. जैसे सेवन का हमने सेवन के साथ मैच किया, सिक्स का सिक्स के साथ मैच किया, फोर का फोर के साथ नंबर्स नेम के साथ, नाइन का नाइन के नंबर्स नेम के साथ, एट का एट के साथ, फाइव का फाइव के साथ. तो देखो बच्चों ये जो हमारा टॉपिक था मैच द फॉलोइंग्स. तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक था वन से लगाकर टेन तक नंबर्स नेम जो मैम ने पढ़ाया आपको समझ आया होगा. और एक बार आप फिर से इसको समझने की कोशिश करें और आप भी घर पे बैठकर राइट भी करें और ओरली भी लर्न करने की कोशिश करें नंबर्स नेम वन से लगाकर टेन तक. अगर आपने नंबर्स नेम लर्न कर लिए तो आप एक्टिविटी टाइप को आसानी से कर सकते हैं. जो क्वेश्चन है वो इजिली आप कर सकते हैं घर पे बैठ के. यस बच्चों आज हमारा टॉपिक था नंबर्स नेम. आपको समझ में आया होगा. आप भी घर पे बैठकर इनको लर्न करें. और जो मैम ने एक्टिविटी टाइम के अंदर क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री कराया है वो आपको घर पे बैठकर एसडब्ल्यू में करना है. आज के टॉपिक के लिए थैंक यू.